हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग रेशियो की जिस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे उसी में हम लोग अगले पार्ट की बात करेंगे, पार्ट बी। पार्ट ए में हमने देखा था कि हाउ टू चेंज योर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को कैसे चेंज करते हैं एक पार्टनर्स के द्वारा। कुछ सम पार्टनर्स इज सेक्रीफाइस एंड सम पार्टनर्स इज गेन, बट वो चेंजेस कहां पे प्रॉफिट में रेशियो में होते थे? ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का इन द सेंस करने का मतलब क्या होता था कि वही पार्टनर्स के प्रॉफिट के रेशियो क्या होते थे, आपस में चेंज होते थे। तो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, सम पार्टनर्स में बी गेन एंड सम पार्टनर में बी सेक्रीफाइस, उसी में उन लोगों में क्या होता था, प्रॉफिट में चेंजेस आते थे। बट जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब कि एक नया पार्टनर्स बिजनेस में एंटर करता है, और नया पार्टनर अगर कहा गया होगा पार्टनरशिप डीड में, मींस ऑल पार्टनर्स एग्रीड, देन हम लोग उसको क्या कहते हैं, एंटर करते हैं। तो जो इंटर्ड पार्टनर होगा, न्यूली इंटर्ड पार्टनर जो होगा वो क्या करता है बेटा, उसका वो क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसका पहले नील था अब उसको गेन होगा। बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब वही जो एग्जिस्टिंग पार्टनर इस तरह के क्वेश्चन में कौन हो सकता है, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये लोग अपने प्रॉफिट को कैसे बांटते थे बेटा, इक्वल फॉर्म में बांटते थे। तो अब इस केस में हमारे पास सिक्स टाइप के केस हो सके। केस ए, सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट शेयर। सी को क्या एडमिट किया गया, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट था उसका 1/4 किसको दिया जा रहा है, सी को। मीन्स की पहले जो चीजें थी, एक एग्जाम्पल के रूप में हल्का सा देखते हैं कि ये बॉक्स था, इस बॉक्स को पहले इक्वल डिवाइड करते थे, बट अब क्या हो गया, यही बॉक्स है, इस बॉक्स को कितना पार्ट में करा जाएगा, 4 पार्ट में। ये पहले ए लेते थे बी लेते थे, लेकिन अब कहा गया कि ये इसका 1/4 करो, 1/4 इन द सेंस की ये 1/4 किसको दे दोगे आप लोग, सी को। जो बचेगा कितना पार्ट बचा, 1, 2, 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3/4। 3/4 को किसमें बांट देंगे, ए और बी, ए लेगा और बी लेगा, कैसे, जैसे वो लोग प्रारंभ में प्रॉफिट को बांटते थे। तो यहाँ पे फाइंड आउट हमें करना है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, दोनों को फाइंड आउट करना होता है। तो अब बेटा देखो एक चीज आप ध्यान देकर चलना, जब भी सेक्रीफाइसिंग के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में न कहा गया होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो भी उनका जितना प्रॉफिट पार्टनर दे रहा वही बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जब भी न्यू रेशियो निकालना होगा तो आप लोग एनालिटिकल टेबल जरूर बनाओगे, एनालिटिकल टेबल की हम लोग बात करते हैं। एनालिटिकल टेबल जो होता है बेटा वो कैसे बनता है, बहुत इजी, आप लोग जानते हो, न्यू रेशियो के लिए पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, फिर यहाँ पे न्यू रेशियो, हम लोग एक ही साथ बना लेते हैं, और बड़ा से इसे बनाते हैं कि कुछ कंडीशंस में हम कुछ नीड ज्यादा स्पेस की पड़ती है। ये मेरे क्या हो गए बेटा, पार्टनर्स, ये मेरे क्या हो गए, ओल्ड रेशियो, ये मेरा यहां पर क्या होगा, सेक्रीफाइस और ऑब्लिक गेन। गेन यहां क्यों लिखते हैं, इनकमिंग पार्टनर इज गेन एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर इज सेक्रीफाइस, बट चांसेस होता है सम पार्टनर सेक्रीफाइस और पार्टनर कैन नॉट बी सेक्रीफाइस। तो अब देखो बेटा, अब हमारा यहां पे क्या होगा, ये न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पार्टनर कौन कौन से थे आप लोग जानते हो, यहां पे पार्टनर कौन है, ए बी सी, थोड़ा स्पेस लेके हम लोग चलेंगे इस पॉइंट को ध्यान देते हुए। अब इसमें क्या हो गया, ओल्ड, ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल था, मींस 1/2, 1/2, न्यू कुछ नहीं था, बट अब क्या हो गया, सी कितने के लिए आ गया, 1/4 आ गया, तो 1/4 सी ले लिया, 1 का 1/4 सी लिया, तो बचा कितना बेटा, 3/4 आप लोगों ने निकाला है, 3/4 और 3/4, अब 3/4 को इक्वली किसमें बांट दिया जाएगा, 1/2, 3/4 का 1/2, अब कर देंगे हमारे यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3/8, 3/8, अब हमको इक्वल करना है, आप लोग जानते ही हो यहाँ 8 होगा तो 4 इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा, 2, तो मीन्स किससे मल्टीप्लाई कर दे, सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो अब हमारा क्योंकि नया रेशियो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आप लोग जानते हो 3/8, 3/8,
और 2/8 टोटल ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 3 6 2 8 8/8 मीन्स कट गया मेरा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया न्यू रेशियो। मेरा न्यू रेशियो जो होगा बेटा वो क्या होगा न्यू रेशियो जो होगा मेरा क्या होगा 3:3:2 मेरा न्यू रेशियो हो गया। अब हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो बेटा क्या होगा किसका निकाल लें ए का क्या होगा ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड रेशियो 1/2 और न्यू रेशियो कितना है 3/8 इन दोनों का एलसीएम 8 2 से इसमें करोगे 4 यहां करोगे 3 कितना आ गया 1/8 बी का क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8 कितना हो जाएगा 8 यहां करोगे कितना आ जाएगा 4 यहां करोगे 3 कितना आ जाएगा 1/8 मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:1 का आ गया कितना आ गया बेटा 1:1 ऐसे ही निकाला जाएगा क्योंकि सी जान रहे थे इनकमिंग पार्टनर है उसको गेन होगा ही क्लियर। तो आप देखो जब भी किसी क्वेश्चन में आपका बस ये दिया हो कि एडमिटेड पार्टनर का फ्रैक्शन दिया हुआ और आपसे पूछे न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप ऑलवेज जानना कि जो पार्टनर का पहले से रेशियो होता है जो भी उसका पुराना रेशियो होगा वही उसका क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा मीन्स ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस केस में हो सकता है बस वन केस ओनली गिवन द सी एडमिटेड पार्टनर का केवल फ्रैक्शन दिया हो किसी क्वेश्चन में और कह दे कि वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑलवेज आप लोग एजम्पशन करके लेके चलते हो कि वो सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं जो उनका एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो होगा उसी रेशियो में वो लोग करते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो के बेस में। अच्छा सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है बेटा सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट में लेता है और कैसे लेगा एंड ए बी का फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा। उसने कहा कि सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए 1/4 शेयर के लिए बट ए बी जो फ्यूचर प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे 2:1 में। सी तो आ गया बेटा 1/4 आपके कहने का मतलब यही क्वेश्चन होगा जो बचा पार्ट तो उसका 2 पार्ट कौन लेगा ए और 1 पार्ट कौन लेगा बी मीन 2/3 और 1/3 कर दोगे क्लियर। कैसे क्वेश्चन में कहा है अगर क्वेश्चन ने कहा कि फ्यूचर में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ए 2 पार्ट लेगा बी कितना पार्ट लेगा 1 पार्ट किसको सी को देने के बाद। तो सेम क्वेश्चन हमारा सब कुछ रहेगा बेटा हम लोगों को क्या करना है कुछ नहीं करना है हल्की सी सारी चीजों को हम लोग मिटाएंगे इरेज करेंगे ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से लेके चलना। इधर के भी पॉइंट को हम लोग इरेज कर देते हैं और हल्का सा हम लोग नया से करते हैं। अब नया से करने का मतलब कि 1/4 हमने सी को दे दिया उसके बाद बचा कितना 3/4 का कितना का है का फर्दर फ्यूचर प्रॉफिट कितना लेंगे 2/3 ए और 1/3 बी तो कितना हो जाएगा 6/12 यहां पे कितना हो जाएगा 3/12 यहां पे इनको 12 करना होगा तो 4 से करोगे 3 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से 3/12 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो हमारा यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 6/12 3/12 टोटल हमारा कितना आ जाएगा आंसर 12/12 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो आप देखो न्यू रेशियो क्या निकल के आया बेटा न्यू रेशियो मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6:3:3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2:1:1 न्यू रेशियो मेरा हो गया। अब इनका क्या निकालना बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप जानते हो कि सिंपल सा कि क्या इनका पुराना होगा पुराना 1/2 ही होगा नया निकालो नया जानते हो नया क्या निकला कितना बेटा 2/4 नया कितना आया 2/4 2/4 एलसीएम 4 हो गया 2 से किए 2 आ गया 2-2 तो ए ने क्या किया नो सेक्रीफाइस ए ने क्या किया नो सेक्रीफाइस तो इस कंडीशन में सेक्रीफाइस किसने किया ये देख लिया जाए यहां पे इसका कितना हो जाएगा 1/4 अब यहां क्या हो जाएगा 2 हुआ 2-, यहां क्या करोगे आपका 1 आएगा 1/4 मीन्स इसमें ओनली सेक्रीफाइस किसने किया ओनली बी ने यहां पर क्या किया सेक्रीफाइस किया किसने 1 बी क्या किया बेटा सेक्रीफाइस और गेन किसको हुआ सी को गेन हुआ सिंपल सा आप देख रहे हो कितना बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/4 और गेन कितना हुआ है सी को 1/4 क्लियर। तो ये आपका था लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा था अगर इस क्वेश्चन में ये ना कहा होता कि ए बी फ्यूचर प्रॉफिट को क्या बांटते हैं इस कोई ना कोई रेशियो
कि क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस में था, ये नहीं गिवन था कि जो बचा हुआ रेशियो है, जो बची हुई प्रॉफिट है, उसको ए बी आपस में कैसे बांटेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस में बस ये दिया था कि वो आया तो बचे हुए प्रॉफिट को ऑलरेडी आप जानते हो कि इसका मतलब जैसे पुराना रेशियो था ओल्ड रेशियो, उसी रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में दिया था कि न्यू रेशियो बचे हुए प्रॉफिट को होगा फ्यूचर्स की प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटेंगे 2:1 में। क्वेश्चन ने गिवन दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट का फिर थोड़ा सा आता है, हम लोग बात करते हैं सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में सी तो इंटर हो ही रहा है, सी क्या हो रहा है इंटर हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात ट्विस्ट आ गई। फिर ट्विस्ट बेटा ये है कि सी जब इंटर होगा तो सी कितने के लिए 1/4 के लिए इंटर हो रहा है, लेकिन इस 1/4 का इक्वली, इक्वली का मतलब क्या, क्या यहां क्या ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या था मे से मतलब ए मे से होने का मतलब वहां क्या लगाते हैं लोग माइनस, वहां क्या लगाते हैं लोग मे से लिखा है, फ्रॉम फ्रॉम मतलब ए एंड बी से हाफ ले रहा, 1/4 का हाफ निकालने के लिए लोग क्या करते हैं बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा यहां क्या आ जाएगा ये मे से मतलब ए मे से 1/4 का यहां क्या जाएगा 1/8 किससे लिया ए से, फिर 1/4 का या 1/4 मे से का कितना बेटा 1/2 किससे लिया, यहां भी आपका 1/8 किससे आ जाएगा फ्रॉम बी से, ये मैंने आपको बताया। अब इसका यहां पे मे से का मतलब 1/2 माइनस 1/8 इक्वल एलसीएम कितना आ जाएगा 8, यहां कितना आ जाएगा 4, यहां कितना आ जाएगा 1, अब यहां क्या आ जाएगा बेटा 3/8, अब यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, यहां कितना आ जाएगा 8, अब यहां कितना आ जाएगा 4, यहां 1, कितना आ जाएगा 3/8, क्लियर। अब देखो 3/8 हो गया 3/8, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/8 ए से लिया और प्लस 1/8 बी से लिया, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ऊपर जोड़ दो तू सबका 8 कॉमन हो गया क्योंकि यही तो निकाले हो 1/8 ए से 1/8 बी से, दोनों से जोड़ के पाए हो ना, एड कर दोगे सम करने पे ही आएगा, तो न्यू रेशियो मेरा कितना आ जाएगा 3/8 और 2/8 ऐड करोगे 3 6 2 8/8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहां भी 1 और 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा 1 ही आएगा। अच्छा छोड़ अब देखो हम लोग का न्यू रेशियो क्या आ गया बेटा, न्यू रेशियो मेरा 3:2 3:2 2। अब हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में 1/2, न्यू रेशियो 3/8, 8 आ गया यहां पे 4 माइनस क्या कर लोगे यहां पे बेटा 4 माइनस 3 बराबर 1/8, बी का ऐसे निकालोगे 1/2 माइनस 3/8 कितना आ जाएगा यहां पे 8, 2 से करोगे बेटा 4, यहां क्या करोगे 3, यहां कितना जाएगा 1/8, तो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:1, ये आपका न्यू रेशियो निकल गया, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, यहां क्या लिखा है सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ही एक्वायर, अब इसने क्या किया यहां पे भी एक्वायर किया था लेकिन यहां पर उसने कैसे किया था इक्वली, लेकिन यहां वो किसे कर रहा है कैसे एक्वायर कर रहा है 3:5 में किससे फ्रॉम और एस ए फ्रॉम ए और फ्रॉम बी से, मतलब कि सब कुछ से चेंज होगी, थोड़ी सी चीजें जो वहां हाफ ऑफ किए थे यहां हाफ ऑफ ना करके यहां कुछ और बात आ जाएगी, क्वेश्चंस में कुछ और बात कह दिया कि नहीं अब उस चीज का हम लोग कितना पार्ट करेंगे, जितना भी पार्ट करेंगे उसका कुछ भाग हम लोग ए से लेंगे कुछ भाग हम लोग किससे लेंगे बी से, क्वेश्चन ने ये कह दिया है। तो अब देखो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, 1/4 का कितना 3 पार्ट मतलब 5/3 कितना आ जाएगा टोटल 8, 3/8 किससे लिया जाएगा ए से, तो अब बेटा कितना आ जाएगा 3/32, अब बेटा यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 1/4 का
थ्री पार्ट इसको इससे ले लिया, फाइव पार्ट कौन लेगा, मतलब कि यहाँ पे इसका फाइव बाई एट कितना हो जाएगा, फाइव बाई एट हो जाए 32, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ए में से ए का मतलब मेस इन फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या था, मे से, ए में से कितना लिया जा रहा है, ये बी से लिया जाएगा, ये ए से लिया जाएगा, ए से कितना ले रहा है 3/32, कितना मेरा आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 32 और यहाँ कितना 16 माइनस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 13/32 और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 5/32 कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम 32, यहाँ 2 से करोगे 16, यहाँ कितना करोगे 5, यहाँ कितना आ जाएगा टोटल, इस पर कायदे से लिख लो बेटा इसको, इसलिए कायदे से जगह नहीं है 13/32, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे कितना 11/32। अब देखो बेटा जो एलसीएम होगा यहाँ पे हमारा क्या है 32 और 32 को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर दे, तो दोनों का है तो ये बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 3/32 + 5/32 हमारा आ जाएगा कितना, हमारा दोनों जोड़ने पे कितना आएगा बेटा 8/32। अब हमारा एलसीएम जो यहाँ पे हमने लेके आया वो मेरा कितना आ जाएगा 13/32, इसका बी का कितना 11/32, इसका ए का 8/32, पूरा कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 8 6 12 2 2 आया और फिर यहाँ पे 3 32/32 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब मेरा ये सही है। तो हम लोग का न्यू रेशो क्या आ जाएगा बेटा, न्यू रेशो क्या आ जाएगा 13:11:8, ये मेरा क्या आ जाएगा न्यू रेशो हो जाएगा। अब न्यू रेशो के साथ साथ अब हम लोग क्या करें सैक्रिफाइस रेशो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस रेशो आप जानते हो हल्का सा हमको खाली लिखाना पड़ेगा हम लोग को, ये पूरा कितना आ गया 13/32, एलसीएम कितना आ जाएगा 32, 16 यहाँ पे कितना करोगे 13, कितना आ जाएगा 3/32, बी का कितना आ जाएगा 1/2 का 11/32, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 32, यहाँ कितना 16 - 11 कितना 5/32, एलसीएम कितना 3:5, मतलब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालना नहीं रहता, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था पहले से 3:5 क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1, यहाँ भी देखो रेशियो गिवन था, यहाँ भी रेशियो गिवन था, इस कंडीशन भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने 3 कंडीशन में बताया बेटा, एक कंडीशन इसमें बताया कुछ भी नहीं होगा तो एग्जिस्टिंग रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता, जिस क्वेश्चन में एक्वायर का लिए दिया होगा वही आपका क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों कंडीशन दिया था एक्वायर का, इस कंडीशन में केवल आपको निकालना पड़ा। एक नया कंड हमारा केस आता है बेटा, सी एडमिटेड ही एक्वायर फ्रॉम 2/5 फ्रॉम ए एंड 1/6 ऑफ बी, देखो इसने क्या किया यहाँ पे पहले का में यहाँ का से यहाँ का से यहाँ का करोगे का से लिखा है, का में लिखा होगा और का से में तो अंतर होता बेटा, यहाँ पे लिखा था फ्रॉम, फ्रॉम बोला क्या था मे से बोला है और यहाँ क्या बोला बेटा यहाँ पे जो बोला है वो क्या काम से, का से मतलब एक यहाँ पहले ऑफ फिर उसके बाद माइनस, फ्रॉम मतलब क्या होता है माइनस और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी देखो बेटा और यहाँ क्या दिया था फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है मे से और यहाँ क्या बोला है का से, तो बात ध्यान देना तो ऑफ फिर उसके बाद मल्टी यहाँ माइनस और यहाँ से का मतलब केवल ओनली माइनस किए थे। तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन जो चेंज होगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग बेटा कैसे करेंगे उसको देखिए हम लोग देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा है सी एडमिटेड ही एक्वायर फ्रॉम 2/5 ऑफ ए, अब क्या क्या कि ए का जो ए का 1/2 है इसका 2/5 कितना होगा 2/5 ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 उसका 2/5
तो 2/5 के लिए मतलब वह मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ जाएगा 2/10 कितना 2/10 क्लियर। अब देखो फिर यही क्वेश्चन ने क्या कहा है 1/2 का कितना 1/6 मतलब बी का कितना 1/6 आप दिया ना आपका मतलब क्या था मल्टीप्लाई कर लोगे। अब बी की वैल्यू क्या कर दोगे 1/6 तो ऑलरेडी है ही रख दिए तो कितना आ जाएगा बेटा 1/ यहां मेरा कितना आ जाएगा 12 या 1/12। अब इतना ए से लेंगे इतना बी से लेंगे हमको मालूम चल गया सी जो आ रहा है इसने देखो कुछ भी 1/4 वगैरह कहीं नहीं कहा है इतना ए से लेगा इतना बी से लेगा तो सी की वैल्यू तो निकल ही जाएगी आप लोग जानते हो 2/10 ए से और 1/12 बी से इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अगर आप लोग एलसीएम मेरा कितना होगा 10 और आप लोग जानते हो एलसीएम कितना होगा बेटा 60 एलसीएम निकाल लेना 6 आएगा 6 से इसमें करोगे 12 होगा और इसमें करोगे 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 17/60। अब ऐसे ही जब अब देखो इसने बोला है का करके निकाल ली अब इसको जो ये जो भी पोर्शन आएगा उस पोर्शन को क्या करोगे फ्रॉम कर दोगे फ्रॉम मतलब ए में से माइनस कर दोगे और फिर ए में से फिर माइनस करोगे पहले का निकालोगे फिर में से माइनस करोगे पहले हमने मल्टीप्लाई करके निकाला कि इतना पैसा तुम सेक्रीफाइस भी कर रहे हो तो अब आपके पास बचा कितना मुझे वो निकालना है। पहले मैंने ये निकाला कि आप कितना दे रहे हो अपने पार्ट का वो निकाले अब फिर आपको देने के बाद बचा कितना वो निकालना है हमको क्योंकि तभी तो हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारा पहले से था कितना 1/2 कितना था बेटा 1/2 ध्यान से सुनना 1/2 हमारा ओल्ड था हमने दिया कितना 2/10 हमने कितना दिया बेटा 2/10 तो हमारा बचा कितना सिंपल से जानते हो आप लोग 15 यहां कितना जाएगा 5 यहां पर 2 तो यहां कितना जाएगा 3/10। अब ऐसे ही ये भी दिया है 1/2 था इसने दिया कितना 1/12 तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना मल्टीप्लाई तो 6 आएगा यहां 6 यहां करोगे 1 तो यहां क्या आंसर आ जाएगा 5/12 कितना जाएगा बेटा 5/12। अब ऐसे ही चीजों को हम लोग आगे करेंगे तो आगे करने के लिए पहले हम लोग क्या करें सबका एलसीएम लेके बराबर कर दे तो हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर दे 60 ले ले तो इसमें 60 लाने के लिए क्योंकि देखो इसका जिसका ज्यादा होता है उसी को हम लोग ले लेते हैं अक्सर यहां पे 60 लाना चाह रहे हैं सब जगह और यहां ऑलरेडी 60 है ही तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा इसमें 12 में कितने मल्टीप्लाई कर दे 5 से 60 आ जाएगा ऊपर 25 यहां किससे कर दे हम लोग 6 से कितना आ जाएगा 18/60। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा 18/60 25/60 17/60 ऐड करोगे कितना आ जाएगा बेटा 15 यहां पर कितना आ जाएगा 15 और 8 कितना हो जाएगा यहां पे 5 12 8 0 फिर यहां 4 2 6 6/60 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। अब इस तरीके से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 18 न्यू रेशियो ये मेरा क्या आएगा न्यू रेशियो 18:25:70 ये मेरा क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है इसका ए का ओल्ड रेशियो 1/2 न्यू रेशियो 18/60 एलसीएम 60 2 से इसमें करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा 30 यहां पे 18 कितना इसने सेक्रीफाइस किया 12/60 बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/2 माइनस 25/60 एलसीएम 60 कितना किए 30 माइनस 25 इसने कितना किया 5/60 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 12:5 ये क्या आ गया बेटा हमारा सेक्रीफाइस रेशियो ये क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस रेशियो के नाम से आ गया ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग का एक लास्ट केस है बेटा सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट बी रिटेन हिज शेयर इसने ये कहा कि अब तो सी को हम लोग एडमिट करेंगे क्वेश्चन ने क्या कहा सी एडमिट करेगा सी तो एडमिट हो रहा है लेकिन इस कंडीशंस में अभी तक आप लोगों ने जितना कंडीशन देखा उस कंडीशंस में बोथ पार्टनर्स कैन बी एग्रीड सेक्रीफाइस हिज शेयर
बट यहाँ रिटेन का मतलब क्या हो गया कि बी ने कहा मेरा वही रेशियो रहेगा, एग्री तो हूँ, एडमिट होगा, लेकिन मेरे रेशियो में कैन नॉट बी चेंज, कि मेरी रेशियो नहीं चेंज होनी चाहिए, जितना प्रॉफिट मुझे अभी मिलता था उतना ही प्रॉफिट मुझे फ्यूचर्स में भी मिलना चाहिए, दैट इज क्लियर। तो उसने रिटेन का मतलब यही हो गया। तो इसका मतलब कि सिंपल सा आप जान लो कि जो भी चेंजेस होंगे वो कॉल किसके से चेंजेस होंगे, सी आर आई कितने के लिए, 1/4, क्लियर। तो बी ने कहा मेरा 1/2 ही रहेगा, तो इसको देगा कौन, किस कौन देगा, तो किससे लेगा, फ्रॉम ए, सिंपल सी बात है, ए बच्चा ए में से ले लेगा 1/2 में से क्या करेंगे 1/4 को माइनस कर देंगे, रिटेन के कंडीशंस में 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/4 उसका बचा। अब देखो बेटा सबका हमको 4 करना है तो हम लोग क्या कर देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2/4 आ जाएगा, और ये 1/4 ऑलरेडी है ही, न्यू रेशो मेरा कितना आ जाएगा 1/4 2/4 1/4। यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि बी ने कहा रिटेन, बी का वही शेयर रहेगा, इसका मतलब कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली ए, अगर तीन पार्टी रहते तो, और ए डी करते सपोज, ए सी करते सपोज करो डी एडमिट होता, तो तीन पार्टी को होने कंडीशन में, तो न्यू रेशियो मेरा क्या हो जाएगा बेटा 1:2:1, ये मेरा क्या हो गया बेटा न्यू रेशियो, ये मेरा क्या हो गया न्यू रेशियो। अब इस कंडीशन में हम लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब कोई जरूरत ही नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि सी को गेन हुआ ए ने सेक्रीफाइस किया, कितना ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4, जितना सी को गेन हुआ उतना ए ने सेक्रीफाइस किया, इसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। इस तरीके से मेरा आज बेटा ये मेरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के से रिलेटेड रेशियो पूरी टॉपिक हमारी आज फाइनल हो गई, ठीक है। अब हम लोग बेटा चलते हैं, बेटा बाय बाय, आप लोग बढ़िया से वीडियो को पढ़िए, बढ़िया से वीडियो को ट्रीट करिए, और अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए और समझिए इसके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो हम लोग चलते हैं बेटा, बाय बाय।